Hello student, good morning, how are you? I hope all students are fine. We will learn today computer standard 8. Okay student, part 6 में हम क्या देखने वाले हैं? Part 6 में देखने वाले हैं processing unit, control unit, ALU, arithmetic and logic unit and memory के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. Okay student, सब लोग ये book निकालें. फर्स्ट ऑफ ऑल ये बुक सब स्टूडेंट निकालें. निकाली, वेरी गुड. अब हम देखेंगे पेज नंबर 9. पेज नंबर 9, पेज नंबर 8 पर प्रोसेसिंग यूनिट है और पेज नंबर 9 पर कंट्रोल यूनिट, ALU मींस एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और मेमोरी के बारे में है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे प्रोसेसिंग यूनिट. प्रोसेसिंग यूनिट है क्या? ओके स्टूडेंट, प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि प्रोसेसिंग है क्या, वो किस तरह से वर्क करती है, वो इन्फॉर्मेशन को कैसे जनरेट करती है, इंस्ट्रक्शन को कैसे वो कलेक्शन करती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. उसके बारे में और फिर उसके डीप में क्या है चिप और माइक्रो प्रोसेसिंग के बारे में. चिप क्या है वो उस हम पढ़ने वाले हैं, चिप की डेफिनेशन और माइक्रो प्रोसेसिंग की डेफिनेशन पढ़ने वाले. ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोसेसिंग यूनिट देखेंगे. प्रोसेसिंग यूनिट मींस कि वह कहाँ पर यूज़ होता है, तो वह सीपीयू के अंदर यूज़ होता है. कहाँ पर यूज़ होता है, वह सीपीयू के अंदर यूज़ होता है. सीपीयू के टू टाइप्स है, वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल है. आपके अपनी लैब में है, स्कूल की लैब में है, वो क्या है, वो वर्टिकल है. वर्टिकल सीपीयू बॉक्स है. ओके स्टूडेंट, और ऑफिस और हो या बैंक हो या जेरोक्स की दुकान हो, वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ ओरिजोंटल सीपीयू आप देख सकते हो. इसी टाइप टू टाइप के बॉक्स होते हैं, वर्टिकल बॉक्स होते हैं और सीपीयू ओरिजोंटल भी होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पैराग्राफ, द प्रोसेसिंग यूनिट कंटेंट्स द सीपीयू. सीपीयू मींस क्या है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट, हमने आगे भी देख लिया है. सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट, तो सीपीयू का फुल फॉर्म है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट. अंडरलाइन करनी है आपको, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट एंड अदर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स दैट हेल्प एंड सीपीयू टू प्रोसेस द इनपुट अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम एंड जनरेटेड आउटपुट. क्या करेंगे वो, जैसे हम इंफॉर्मेशन देंगे सीपीयू का, क्या देंगे हम, जैसे इन्फॉर्मेशन देंगे इनपुट डिवाइस के थ्रू हम इन्फॉर्मेशन देंगे. ओके स्टूडेंट, फिर क्या होगा, वो जनरेट इन्फॉर्मेशन का वो क्या होगा, उसके ऊपर वो कलेक्शन जनरेटेड होगा. क्या होगा, उसके ऊपर वो प्रोसेस अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम जनरेटेड आउटपुट. वह जैसे आपने इन्फॉर्मेशन डाली, इस तरह से वो आउटपुट आपको मिलेगा. देन आपको आप टू टाइप्स के बॉक्स दिख सकते हो सीपीयू के स्टूडेंट आपकी बुक में. ये क्या है, ये वर्टिकल बॉक्स है और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल बॉक्स है. द सीपीयू अ कंप्यूटर इज स्मॉल चिप मेड द सिलिकॉन. उसके अंदर क्या है, एक चिप है. वो किस तरह से बनी है, वो सिलिकॉन से बनी हुई है. इसलिए वहाँ पर आपको अंडरलाइन करनी है, द सीपीयू ऑफ कंप्यूटर इज स्मॉल चिप ऑफ द सिलिकॉन. ओके, देन नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो नो एज अ प्रोसेसर. इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेसर. चिप को क्या बोलते हैं, हम प्रोसेसर भी बोल सकते हो. ऑल द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ द कंप्यूटर आर फिक्स्ड स्मॉल चिप. सीपीयू के अंदर स्मॉल स्मॉल सी चिप होती है. क्या होती है, चिप होती है और इलेक्ट्रिकल सर्किट भी होती है. इट प्रोसेस इन द इनपुट विद द हेल्प ऑफ द प्रोग्राम द गिव्स इन आउटपुट. क्या मिलेगा, जैसे हम इंफॉर्मेशन डालेंगे इस तरह से वो अपना आउटपुट जनरेट करेगा. ऑन द रिसीविंग द डेटा इंस्ट्रक्शन फॉर द इनपुट डिवाइस. वो क्या करेगा, इनपुट डिवाइस को इंस्ट्रक्शन देगा, इंफॉर्मेशन देगा कि कैसे उसको वर्क करना है. द सीपीयू डिसाइडेड व्हाट डू हाउ डू विच द टिल्स टू. कैसे वर्क करना है, कैसे परफॉर्म करना है, कैसे आंसर आपना है, वो सर्च करेगा. एंड अकॉर्डिंगली
इट सेंड मैसेज और सिग्नल थ्रू द यूनिट. क्या करेगा, जैसे हमने इंफॉर्मेशन डाली उस तरह वो प्रोसेसिंग करेगी, फिर वो सिग्नल क्या करेगा, मैसेज देगा. आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा सीपीयू जनरेटेड इंफॉर्मेशन एंड डिस्प्ले ऑफ द आउटपुट. क्या बोलेंगे इसके, जैसे हम सीपीयू का इंफॉर्मेशन देंगे उस तरह से वो इंफॉर्मेशन को जनरेट करेगा, देन आफ्टर वो आउटपुट हमको मिलेगा. सामने वाले पेज पर पेज नंबर 9, द सीपीयू कंसिस्ट ऑफ द 3 कंपोनेंट. क्या है सीपीयू का मेन 3 पार्ट है, मेन 3 कंपोनेंट है, कौन कौन से, कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट है. कौन से 3 कंपोनेंट है, कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने वाले हैं सीयू के बारे में कि सीयू क्या है, कंट्रोल यूनिट क्या है, कंट्रोल यूनिट किस तरह से वर्क करता है. द सीयू कंट्रोल एंड अकॉर्डिंग्स द मूवमेंट एंड डेटा द मैनेज द प्रोसेसिंग. क्या करेगा, वो डेटा को मैनेज करेगा और प्रोसेसिंग किस तरह से करनी है वो उस तरह से इंस्ट्रक्शन देगा. इट रिसीव द इनपुट. क्या करेगा, रिसीव द इनपुट एंड ट्रांसफर द ALU, ऑब्टेन द रिजल्ट फ्रॉम ALU. इंफॉर्मेशन लेगा, वो इनपुट को देगा, फिर क्या आएगा, वो ट्रांसफर क्या करेगा, वो ALU को ट्रांसफर करेगी इंफॉर्मेशन. इट सीयू એટલે इट कंट्रोल यूनिट ऑल्सो कंट्रोल द स्टोर एंड डेटा इन मेमोरी. क्या करेगा, स्टोरेज करेगा, स्टोर करेगा, वो स्टोर करेले इंफॉर्मेशन पर क्या करेगा, वो स्टोर करके इंफॉर्मेशन पर वो कंट्रोल या मीन्स के वो स्टोर करेगा, क्या करेगा, मेमोरी में वो डेटा को स्टोर करेगा. देन आफ्टर है एरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन. एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, उसमें क्या है, एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में उसमें हम क्या करेंगे, एरिथमेटिक ऑपरेशन करेंगे. क्या करेंगे, एरिथमेटिकल ऑपरेशन. और क्या आएगा, लॉजिकल आएगा, लॉजिकल ऑपरेशन आएगा. एरिथमेटिक ऑपरेशन में क्या आएगा स्टूडेंट, तो कि एरिथमेटिक ऑपरेशन मीन्स मैथमेटिकल ऑपरेशन. मैथमेटिक में कौन कौन से आते हैं, तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलो एक्सेट्रा. ओके स्टूडेंट, और लॉजिकल ऑपरेटर में क्या आएगा, जैसे कि टू सम को आपको क्या करने है, कंपैरिजन करनी है. क्या करनी है, कंपैरिजन करनी है, जैसे कि ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, इक्वल टू हो, नॉट इक्वल टू हो, इसी तरह से टू सम को हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं. इसको हम बोलते हैं एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन है. अब हम पढ़ेंगे ऑल द एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन और कंपैरिजन्स आर डन बाय द ALU. कौन करेगा वो वर्क, ALU वर्क करेगा. एंड द सीयू मीन्स कंट्रोल यूनिट फर्स्ट गेट द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को गेट करेगा, इंफॉर्मेशन को लेगा फ्रॉम द मेमोरी एंड ट्रांसफर द ALU. फिर क्या आएगा, ALU को वो सेंड करेगा. द ALU परफॉर्म द ऑपरेशन एंड सेंड द रिजल्ट बैक द मेमोरी. फिर क्या आएगा, ALU क्या करेगा, ALU मेमोरी का वो सेंड करेगा. क्या करेगा, मेमोरी को वो सेंड करेगा, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर स्टोर होगा. देन आफ्टर मेमोरी द मेमोरी रिसीव द डेटा फ्रॉम द CU एंड स्टोर इट. क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, प्रोग्राम को स्टोर करेगा, प्रोसेसिंग को स्टोर करेगा, वो जो इंफॉर्मेशन को वो स्टोर कर सकता है. द CU देन द सेंड द डेटा ALU प्रोसेसिंग इन प्रोड्यूसिंग द आउटपुट. देन आफ्टर क्या होगा, मेमोरी में जो डेटा है वो स्टोर हो गया, डन. फिर क्या होगा, उसको वो आउटपुट निकलेगा. क्या निकलेगा, आउटपुट हम देख सकते हैं. द CU कलेक्ट्स द आउटपुट एंड सेंड द इन मेमोरी स्टोरेज. फिर क्या होगा, मेमोरी स्टोरेज में वो सेंड करेगा. द CU एंड इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी स्टडिंग द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली. या हम फिगर है वो केयरफुली हमको पढ़नी है. कैसे, क्या होगा, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस में क्या क्या आता है, कीबोर्ड एंड माउस. ओके स्टूडेंट,
हमने इंफॉर्मेशन डालनी है, को कीबोर्ड थ्रू हम डाल सकते हैं और माउस थ्रू हम इंफॉर्मेशन जनरेटेड कर सकते हैं। फिर क्या आएगा, फिर वो इंफॉर्मेशन मेमोरी में जाएगा, स्टोर होगा। फिर क्या होगा, सी यू मीन्स के प्रोसेस होगा, क्या होगा, इंफॉर्मेशन जो हमने दी उसके ऊपर वो प्रोसेसिंग करेगा। एल यू जब वो एरिथमेटिक ऑपरेशन होगा तो वो एल यू में जाएगा, फिर क्या होगा, वो सी यू में जाएगा, फिर क्या होगा, वो मेमोरी यूनिट में जाएगा इंफॉर्मेशन। देन आफ्टर क्या होगा, फिर साइकिलिंग होगा, फिर पास कंट्रोल यूनिट में जाएगा, फिर एल यू में जाएगा। इस तरह से वो इंफॉर्मेशन को जनरेट करता है। देन आफ्टर वो आउटपुट डिवाइस में एक ट्रांसफर होता है। आउटपुट डिवाइस कौन कौन से है, किसको इसको पता है, तो मॉनिटर और प्रिंटर। ओके स्टूडेंट, फिर वो इंफॉर्मेशन क्या होगी, वो इंफॉर्मेशन आउटपुट डिवाइस थ्रू वो जनरेटेड होगी। जिस तरह हम मॉनिटर में हम देख सकते हैं और हम प्रिंटर थ्रू देख सकते हैं। और हम पार्ट 7 में क्या पढ़े, प्रोसेसिंग के बारे में, प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में पढ़े। देन आफ्टर सी यू यानी कंट्रोल यूनिट के बारे में, एल यू एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के बारे में, एंड मेमोरी के बारे में हमने पढ़ा। ओके स्टूडेंट, ये फिगर है अपनी घर काम की बुक में ड्रॉ करनी है, क्या होमवर्क की बुक में वो ड्रॉ करनी है। ओके स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको लर्न किया, मैंने आपको सबको समझाया, इस तरह से आप वो ड्रॉइंग करनी है, ये फिगर को आप ड्रॉइंग करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।